हाय फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और अब बज गए हैं सुबह के 7 और बच्चे स्कूल जा चुके हैं। और आज शाम को हमने दलिया बनाया था, तो ये पूरा मैंने साफ कर दिया है क्योंकि बच्चों के लंच के लिए तो बना दिया था। गैस पे ही सब्जी बना दी थी और उनके लिए पराठे बना दिए थे बच्चों के लिए। अब बाकी जो रोटी जैसे खाएगा, अब तो 1 बजे के बाद ही खाएंगे मम्मी पापा और हम सभी। अब उस फिर मैं गैस पे बना दूंगी सबका खाना। जब सब्जी मैंने बना के रख ली है और अब देखो कितनी धूप हो गई है 7 बजे से ही, बहुत ज़्यादा। और मैंने ये आंगन साफ कर दिया, चूल्हा वूल्हा साफ कर दिया। अब पीछे का काम रह रहा है थोड़ा। मैं ये पीछे का काम पहले करने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि घर का पहले कर लो, फिर गर्मी लगती है। और घर का पहले कर लेते हूँ, जब पीछे का काम करते हैं तो ऐसे लगा अरे पहले पीछे का काम करती। ये कन्फ्यूजन रहती ही रहती है क्योंकि अब धूप तो देखो 7 बजे निकल आती है, तो उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत होती है। और देखो जो कपड़े मैंने रात में धोए थे वो बिल्कुल सूख गए हैं। अभी थोड़ा सा अंदर का झाड़ू पोछा और कर दूं मैं, तभी निकालूंगी ये उतारूंगी कपड़े, क्योंकि फिर डस्ट जमेगा और हो भी नहीं पाएगा फिर। और अब घर मैंने किचन भी सभी कर दिया है, अब ये यहाँ का झाड़ू पोछा रहे। अब सबसे पहले मैं ये 2 घाट हैं जो इन्हें बाहर निकालेंगे, क्योंकि तभी अच्छे से झाड़ू पोछा हो पाएगा। तो फ्रेंड्स काम कर चुके हैं हम, बच गए हैं अब 7:40 हो गए हैं। काम सारा हो गया घर का, ये देखिए आपको दिख रहा होगा पोछा का और बर्तन वर्तन सब हो गए। अब ये रह गए हैं ये काम हमारे, जैसे कि हम ये खाट अंदर करेंगे, दिन में बाहर नहीं छोड़ते, कपड़े उतारेंगे और ये मटका अंदर करेंगे, ये सारे बर्तन अंदर करेंगे। इन सबको हम अभी यहाँ छाया रहती है तो इन सबको काम में ये पीछे का काम करने के बाद सारा काम कर दूंगी पीछे का काम। और अब फटाफट से चलते हैं हम वहाँ लगेगा हमें 40 से 45 मिनट के आसपास पीछे का काम करने के लिए। तो मतलब कि हम 8:30 बजे तक कोशिश रहेगी कि हम आ जाएं, और जल्दी नहाने का और ब्रेकफास्ट हम तब करेंगे। और वैसे बच्चों ने थोड़ा सा छोड़ दिया था दलिया खाते टाइम, मैंने वो खा लिया था फिलहाल तो, लेकिन अब कुछ मन नहीं है तो मम्मी बोल रही कुछ खा लेती तब चलते हैं पीछे का काम करने। मैंने कहा नहीं अब आके ही खाएंगे, बच्चों ने जो छोड़ दिया था मैं उसी से ब्रेकफास्ट हो गया। अब चलते हैं पीछे का काम करने के लिए। अब गोबर हम डाल आए थे, अब मम्मी बोल रही थी कि थोड़ा सा गोबर भी पात लेते हैं, तो मैं पानी लेके चल देती हूँ गोबर के लिए। अब बज गए हैं 8:30 और हम अपना काम करके आ गए हैं ख़त्म करके। और अब थोड़ी देर चला लेते हैं टीवी और इधर मटका और ये खाटें पापा ने कर दी थी अंदर जितने हम गैस में से आए थे। और इधर ले लिए प्याज और हरी मिर्च, क्योंकि गर्मियों में ना प्याज बहुत अच्छी भी होती है और टेस्ट भी, कोई ऐसा सब्जी में कोई टेस्ट ना आए तो अपना प्याज की सलाद काटी और दही में मिलाई और बहुत अच्छा स्वाद बैठ जाता है फिर। तो अब थोड़ी सी देर हम सुखा लेंगे पसीना और देख लेंगे थोड़ी देर सीरियल। तो अब बना दी है हमने तोरी की सब्जी, तोरी और
बच्चे देखिए आते ही कैसा मुंह बनाएंगे। अभी गए हैं बाहर पानी लेने के लिए, तो उनके लिए देखूंगी मैं थोड़ी सी वो मिक्सी में जो चटनी बनाते हैं ना टमाटर वाली, उससे खुश होके खा लेते हैं। और साथ में सलाद के लिए खीरे और प्याज ले ली थी पापा ने, उन्हें दे दूंगी। और अब बच गए छिलके, इन छिलकों को डालाते हैं भैंसों को। अब तो पूरा साल हो गया बच्चों को ही पानी लाते लाते, बाकी है वो 400 से 500 मीटर तक। पहले तो हम ही लेके आते थे, मैं ही सिर पे लेके आती थी, लेकिन अब तो बच्चे ले आते हैं। और कोयल है शायद, ये बोल रही है जो जामुन का पेड़, ये तो साथ वालों का जामुन का, ये हमारे वाला है। वैसे बगर तो अच्छा हो रहा है इसमें, देखते हैं बारिश के टाइम में कैसे जामुन बनेंगी। लेकिन अभी तो काफ़ी धूप रहती है इधर भैंसों के पास ना। देख है कोयल ही है, अभी दिख रही है। और इधर अनार के पेड़ों में भी खूब ग्रोथ कर रहे हैं, देख ये तो लाल लाल अनार हैं। और एक पेड़ ये है, इसमें ऐसे लग रहे हैं, लेकिन लग रहे काफ़ी मात्रा में। अब थोड़ी सी शाम हो गई है इसलिए ना दिखे शायद, लेकिन काफ़ी मात्रा में अनार लग रहे हैं। अब इन्हें करेंगे बच्चे पकने का वेट। ये देखिए वैसे हरियाली काफ़ी अच्छी हो रही है। और एक जामुन का पेड़ ये है हमारा। और रोटी बनाते हुए बहुत गर्मी लग रही थी, और वैसे गर्मी तो आजकल बहुत ज़्यादा होती जा रही है, रोज़ की रोज़ बढ़ती जा रही है। तो मम्मी ने कूलर पलटवा के अपनी तरफ लगवा लिया था, तो उसकी वजह से मुझे भी चूल्हे पर बहुत हवा लग रही थी। और वैसे मम्मी बोल रही थी कि धुआँ आएगा आँखों पर हवा चला दिए तो, लेकिन धुआँ बिल्कुल भी मुँह पर नहीं लगा, उल्टा बहुत अच्छा लग रहा था, हवा लग गई थी। और फिर फटाफट से रोटी बनाई और आज तो अच्छी चली रही थी। और रोटी बनाने के बाद सबसे पहले मम्मी पापा को खाना दिया, और फिर उसके बाद हम भी खाने लगते हैं। और जैसे फिर मैं रोटी खाने बैठी तो वो लास्ट की रोटी थी, सबसे मोटी और बड़ी, तो तीनों पापा बेटा हंस करने लगे कि तेरी मम्मी की सबसे छोटी रोटी है। देखो पहले ज़माने में ना बोलते थे कि दादी नानी मम्मी सासू माँ सब की, जो अगर हम पिछली रोटी ज़्यादा भारी बनाते हैं ना तो हमारे मायका भी भारी रहता है, मतलब कि भैया को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होती है। तो इसलिए तो भाई ये चांस मैं तो बिल्कुल गंवाने वाली हूँ नहीं, तो मैं हमेशा से ही लास्ट की जो रोटी होती है उसे थोड़ी मोटी बनाती हूँ और रोटियों के हिसाब से। और जब सुबह मम्मी बनाती है तो मम्मी भी मोटी रोटी बनाती है लास्ट वाली। तो फिर हम अपनी रोटियां, ये है हमारी रात की डिनर प्लेट। और तो जी सबके लिए नमस्ते, इस व्लॉग को करते हैं हम यहीं पे समाप्त। तो सबके लिए नमस्ते, ओके बाय, टाटा गुड नाइट।